और हमारी अगली और पांचवी खबर भी जुड़ी है नरेंद्र मोदी से। दरअसल नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर है, 272 प्लस के मिशन पर निकले हुए हैं और इसी के तहत आज नरेंद्र मोदी साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात करने वाले। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी रजनीकांत से अपील करेंगे कि वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार करें। मोदी का मिशन दक्षिण। रोबोट से मिलेंगे नमो, रजनी बनाएंगे मोदी को पीएम। रोबोट लगाएगा जया के गढ़ में सेंध। मिशन 272 में जुटे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार मोदी दक्षिण में दम हासिल करने के लिए सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात करने वाले हैं, ताकि तमिलनाडु में तीसरे नंबर पर चल रही बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को बढ़त में मदद मिल सके। मोदी चेन्नई में दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत से उनके घर पर मुलाकात करेंगे। वैसे बीजेपी से निजी मुलाकात बता रही है। बीजेपी के समर्थकों को उम्मीद है कि दोनों दिग्गजों के बीच चुनावी मुद्दे पर चर्चा होगी और रजनीकांत दक्षिण में बीजेपी को वोट देने की अपील कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि रजनीकांत कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, रजनीकांत जी कभी भी किसी फिरका परस्त पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। जहां तक साउथ का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी साउथ में बिल्कुल जीरो थी और मेरा ख्याल है अभी भी जीरो ही रहेगी। वैसे रजनीकांत पहले भी बीजेपी को समर्थन देने की अपील कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी को इससे अब तक फायदा नहीं पहुंचा है और दक्षिण में बीजेपी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई है। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान रजनीकांत ने बीजेपी को वोट देने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2008 में लालकृष्ण आडवाणी ने उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन तब रजनीकांत का दिल नहीं पिघला। 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी ने रजनीकांत का समर्थन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी उन्हें मना नहीं पाई थी। लेकिन मोदी की रजनीकांत से होने वाली मुलाकात से बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर है। उन्हें उम्मीद है कि सियासत और सिनेमा के दो दिग्गजों की मुलाकात जरूर रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।